हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में सबसे पहले हम इसकी बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये टिश्यू कहाँ से ओरिजिनेट होता है। एम्ब्रियो में 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मिजोडर्म। तो कनेक्टिव टिश्यू का जो ओरिजिन है वो मिजोडर्म से होता है। फिर इसमें जो सेल्स होती हैं उनमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस यानी सेल्स के बीच में जो स्पेस है वो ज्यादा होता है। फिर इस इंटरसेलुलर स्पेस में क्या प्रेजेंट होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल किस फॉर्म में? इनसोल्यूबल प्रोटीन फाइबर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है ये मैट्रिक्स में। और मैट्रिक्स और फाइबर्स ये किससे सिक्रेट होते हैं? सेल्स से ही सिक्रेट होते हैं ये। फिर सेल्स में पावर ऑफ डिवीजन बहुत ही कम होती है। और ये जो टिश्यू है ये हमारी बॉडी में अबंडेंट होता है, सबसे ज्यादा, मोस्ट अबंडेंट इसको हम कह सकते हैं, और सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इन बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। अब इसके जनरल फंक्शंस करें तो सबसे पहला फंक्शन बाइंडिंग, कनेक्टिव, कनेक्शन। कनेक्शन का मतलब बाइंडिंग ही होता है। तो ये किस चीज को बाइंड करता है? देखो, सेल्स मिलके टिश्यूज बनाती हैं तो वहां पे सेल्स को बाइंड कर रहा है। जब टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बना रहे हैं तो ये ऑर्गन्स को बाइंड कर रहा है, और ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे तो वहां ऑर्गन सिस्टम्स को बाइंड कर रहा है, और पूरे ऑर्गन सिस्टम को भी ऑर्गन ऑर्गेनिज्म के साथ जब ये बाइंड करता है बॉडी वॉल के साथ मेसेंट्रीज में, वहां भी ये बाइंडिंग का ही इसका मेन फंक्शन है। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? दूसरे टिश्यूज को, ऑर्गन्स को, सेल्स को बाइंड करता है। अब सपोर्ट प्रोवाइड करता है, दूसरा फंक्शन इसका है सपोर्ट। तो सपोर्ट किस फॉर्म में प्रोवाइड करता है? बोन्स और कार्टिलेजेस, ये हार्ड एंडोस्केल्टन बनाती हैं बॉडी का। और ये दोनों ही चीजें किस चीज को सपोर्ट देती हैं? मसल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं ये। फिर एडिपोज टिश्यू एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, और ये टिश्यू फैट को स्टोर करता है। इसके अंदर एडिपोसाइट सेल्स होती हैं जो फैट स्टोर करती हैं। और दूसरा फंक्शन इसका क्या है? इस एडिपोज टिश्यू का ही फंक्शन है ये हमारी बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। इंसुलेशन का मतलब हो गया कि बॉडी से हीट लॉस नहीं होने देता। फिर अटैचमेंट प्रोवाइड करता है ये टिश्यू, लिगामेंट्स और टेंडन्स। ये क्या करते हैं? डिफरेंट टिश्यूज को इकट्ठा बाइंड करते हैं। टेंडन्स जो हैं ये मसल्स को बोन के साथ अटैच करते हैं, और जो लिगामेंट्स हैं एक बोन को दूसरी बोन के साथ अटैच करते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड और लिम्फ दोनों के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस और वेस्ट मटेरियल्स इन्हीं के थ्रू होता है। लिम्फ के थ्रू मेनली फैट का ट्रांसपोर्ट होता है, बाकी सब ब्लड के थ्रू होता है। फिर ये हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम में बहुत बड़ा रोल है कनेक्टिव टिश्यू का। प्लाज्मा सेल्स, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को इंक्रीज करती हैं और हमें डिफेंस प्रोवाइड करती हैं। कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, केमिकल, बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो ये उनसे हमें बचाती हैं। फिर रिपेयर में हेल्प करती हैं। जब कोई चोट लग जाती है हमें, घाव हो जाता है या इंजर्ड हो जाए कोई टिश्यू, तो कोलेजन फाइबर्स रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं। फिर हीमोपोएटिक टिश्यू का काम करते हैं ये। जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, जैसे ये ह्यूमरस यहाँ पे हो गई, और पैर में जो थाई बोन है उसको फीमर कहते हैं, ये लॉन्ग बोन्स हैं। इन बोन्स के अंदर मैरो कैविटी होती है, बोन मैरो जिसको हम बोलते हैं। उस बोन मैरो के अंदर हमारी आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, सभी तरह की जो ब्लड सेल्स हैं वो बनती हैं। अब हम टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू करते हैं। मेजर जो इसकी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं कनेक्टिव टिश्यू: प्रॉपर, स्केलेटल टिश्यू एंड वास्कुलर टिश्यू। अब जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है,
इसकी फर्दर 5 टाइप्स हैं, एरियोलर, एडिपोज, व्हाइट फाइब्रस, टेंडन्स इसी में आते हैं, येलो इलास्टिक, लिगामेंट इसी टिश्यू के बने होते हैं, एंड रेटिकुलर टिश्यू। और स्केलेटल टिश्यू की 2 टाइप हमने की, कार्टिलेज एंड बोन टाइप। और कार्टिलेज फर्दर 3 टाइप की हैं, हाइलाइन, फाइब्रस एंड कैल्सिफाइड। और बोन 2 तरह की होती है, कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी। और वास्कुलर टिश्यू 2 टाइप का होता है, ब्लड एंड लिम्फ। अब एनसीईआरटी के हिसाब से हम पढ़ें तो 3 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू। इनकी जो मैट्रिक्स है इसमें सेल्स लूजली अरेंज होती हैं, एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू इसी में आते हैं। और डेंस जो है इसमें सेल्स डेंसली अरेंज होती हैं, ये डेंस रेगुलर एंड इररेगुलर होता है, फिर टेंडन्स और लिगामेंट्स में ये प्रेजेंट होता है। और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में स्केलेटल टिश्यू आ गया, कार्टिलेज बोन्स, एंड वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी इसको हम कहते हैं, ब्लड एंड लिम्फ। अब हम एरियोलर टिश्यू की डिटेल डिस्कस करते हैं। एरियोलर टिश्यू जो है इसकी जो मैट्रिक्स है वो सेमी फ्लूड ट्रांसपेरेंट होती है, और इसमें बहुत टाइप की सेल्स और फाइबर्स होते हैं, और ये लूज कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है। देखो ये सेल्स, इतनी सारी सेल्स और फाइबर्स हैं, लेकिन ये लूजली अरेंज्ड हैं, इसीलिए इसको हम लूज कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। अब इसमें कौन कौन सी टाइप की सेल्स प्रेजेंट हैं? 3 तरह की सेल्स हैं। सबसे पहली है फाइब्रोब्लास्ट, ये देखो ये लार्ज सेल्स होती हैं, और सबसे ज्यादा इसी में इसमें यही होती हैं। ये कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स बनाती हैं, ये कोलेजन फाइबर्स हैं और ये जो फाइबर्स हैं ये इलास्टिन हैं। मैक्रोफेजेस, ये अमीबॉइड सेल, अमीबॉइड सेल किसी भी सेल को जिसका इररेगुलर शेप हो उसे हम अमीबॉइड बोल देते हैं, और ये फैगोसिटिक होती हैं नेचर में। ये किस चीज को एंगल्फ कर लेती हैं? कोई बैक्टीरिया आ जाए, कोई भी फॉरेन केमिकल हो, और डेड सेल्स को भी इवन ये एंगल्फ करती हैं और हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग बनाती हैं। तीसरी टाइप की जो सेल्स हैं वो हैं मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स लार्ज राउंडेड ओवल साइज की होती हैं, ये मैट्रिक्स को सिक्रीट करती हैं, और 3 तरह के, मेनली 3 तरह के हैं, और वैसे बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं। हिपेरिन, हिपेरिन जो है ये एंटी कोएगुलेंट होता है। एंटी का मतलब अपोजिट, और कोएगुलेशन का मतलब होता है जमना, ब्लड का जमना, एंटी कोएगुलेंट। जब ब्लड हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है तो वो जमना नहीं चाहिए ना, अगर जम गया तो उस पार्ट को, जिस भी पार्ट की ब्लड वेसल में ब्लड जम गया, ब्लड सप्लाई नहीं होगी। तो इसलिए ब्लड में ये नेचुरल एंटी कोएगुलेंट प्रेजेंट होता है। मास्ट सेल्स इसको सिक्रीट करती हैं और ये ब्लड को ब्लड वेसल्स के अंदर जमने नहीं देगा, उसको लिक्विड फॉर्म में ही रखेगा, ये फंक्शन है। सीरोटोनिन, सीरोटोनिन जो हैं ये वेजो कंस्ट्रिक्टर का काम करते हैं, यानी जब बहुत ज्यादा चोट लग जाती है तो ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है। अब ब्लीडिंग ज्यादा हो गई तो क्या होगा? ब्लड का प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। देखो एक ये ऐसे इतनी चौड़ी टनल है, इसमें से जाए है ना, तो प्रेशर कम होगा। और वेजो कंस्ट्रिक्टर, कंस्ट्रिक्ट करना यानी डायमीटर नैरो कर देता है, तो ब्लड वेसल्स में क्या होगा, ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ब्लीडिंग को स्टॉप भी करता है ये, और ब्लड का प्रेशर भी इंक्रीज कर देता है ताकि पूरी बॉडी को ब्लड मिलता रहे, नहीं तो कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। फिर तीसरे सब्सटेंसेस हैं, तीसरा हिस्टामिन्स। हिस्टामिन्स क्या करते हैं? ये एलर्जिक रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आईजीई की वजह से होता है, और ये इम्यूनोग्लोबुलिन है ई टाइप का, और इन्फ्लेमेशन हो जाती है। सो फैगोसाइट्स का नंबर जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है, ये भी बॉडी की इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए ही होता है ऐसा। अब ये कहाँ मिलते हैं? ये जो टिश्यू है ये मिलता है बिलो द स्किन, किडनीज, टेस्टीज और मसल बंडल्स के अराउंड, और ब्लड वेसल्स के अराउंड पाया जाता है। कौन सा टिश्यू? एरियोलर टिश्यू।
अब इसमें दो तरह के फाइबर्स प्रेजेंट हैं, इनके बारे में और हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले हैं ये व्हाइट फाइबर्स, ये किससे बने होते हैं? कोलेजन प्रोटीन से बने होते हैं। इनका नंबर ज्यादा है, लेंथ भी ज्यादा है और ये कंपैरेटिवली थिन होते हैं और इनमें किसी तरह की ब्रांचिंग नहीं होती। देखो ये भी इसी, ये भी, ये जो बंडल है ना, ये बंडल भी व्हाइट फाइबर्स का ही है। और इनका फंक्शन क्या है? ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और कहीं चोट लग जाए ना तो घाव को भरने का काम भी करते हैं। और दूसरे फाइबर्स हैं येलो फाइबर्स, ये जो दिखा रखे हैं ये हैं येलो फाइबर्स। तो येलो फाइबर्स का नंबर व्हाइट फाइबर्स के कंपैरेटिवली कम होता है और ये स्मॉल साइज के होते हैं और इनके कंपैरिजन में ये थिक होते हैं और ये इलास्टिक होते हैं, ब्रांच्ड हैं। देखो ये यहाँ से एक था और ये इसकी दो ब्रांच हो गई और ये इलास्टिन प्रोटीन से बने होते हैं और इनका रोल क्या है? ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। आपने एक क्वेश्चन खुद से लिखना है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन व्हाइट फाइबर्स एंड येलो फाइबर्स। ये सारे पॉइंट अलग अलग बनाने हैं जो हमने यहाँ एक लाइन में दे दिए। अब नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यू। देखो ये लैटिन वर्ड एडप्स से बना है, एडप्स का मतलब होता है फैट। बायोलॉजी में बहुत सारे हम ऐसे लैटिन वर्ड्स पढ़ते हैं, है ना, ये अगर आप इसको याद रख लो तो आसान हो जाता है आगे पूरा इसको याद रखना। ये फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू है। इसकी मैट्रिक्स जो है, ये देखो इसकी मैट्रिक्स में क्या है, ये सारी सेल्स, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये एडिपोसाइट्स हैं। लार्ज होती हैं ये सेल्स और इनमें ये बीच में फैट ग्लोब्यूल प्रेजेंट होता है। ये देखो ये फैट ग्लोब्यूल प्रेजेंट है और इसकी मैट्रिक्स में बहुत ही कम और स्मॉल साइज के ये व्हाइट फाइबर के बंडल्स, व्हाइट फाइबर जो है बंडल्स में ही होते हैं, तो इसमें बहुत ही छोटे बंडल्स होते हैं और कम नंबर में होते हैं ये। और इसके अलावा मैक्रोफेजेस भी प्रेजेंट होती हैं, ये मैक्रोफेजेस है। मैक्रोफेजेस का रोल वही फैगोसाइटोसिस ही है यहाँ पर भी। फिर ये टिश्यू जो है इसका मेन फंक्शन फैट स्टोरेज है, फैट को ये स्टोर करता है ये टिश्यू। जब भी हम ज्यादा खाना खाते हैं, ओवर ईटिंग हम बहुत बार करते हैं, तो जो भी न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में एक्सेस में होता है ना, वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है और इसी टिश्यू में स्टोर होता है। फिर इस टिश्यू का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि ये हमारी बॉडी से हीट को लॉस नहीं होने देता और हमारी बॉडी का कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, होमियोथर्मी। होमियोथर्मी का मतलब है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, होमियो का मतलब सेम होता है और थर्मे का मतलब टेम्परेचर, थर्मा वर्ड कहीं भी आए दैट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, और होमियो या होमो का मतलब सेम होता है। तो हमारी बॉडी का सेम टेम्परेचर किस वजह से रहता है? ड्यू टू एडिपोज टिश्यू। फिर ये शोक एब्जॉर्बिंग कुशंस का काम करता है ये टिश्यू, जब ये किडनीज के अराउंड प्रेजेंट है, आई बॉल्स के अराउंड प्रेजेंट है और ब्लड वेसल्स के अराउंड भी प्रेजेंट होता है। फिर ये बीनीथ द स्किन, ये जो यहाँ पे एकदम, ये भी ये जो मोटा में यहाँ पे दिखाई दे रहा है हथेली में, यहाँ एकदम स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू है। फिर कुछ ऑर्गन जैसे किडनीज, आई बॉल, ये ऊपर भी बताया हमने, इनके अराउंड भी प्रेजेंट है, हार्ट के अराउंड भी प्रेजेंट है। और मेसेंट्रीज, मेसेंट्रीज का मतलब हो गया कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल ऐसे हवा में तो लटकी हुई है नहीं, वो बॉडी वॉल के साथ जुड़ी हुई है एक कनेक्टिव टिश्यू से और उस कनेक्टिव टिश्यू का नाम है मेसेंट्रीज। तो मेसेंट्रीज एक्चुअली किस टिश्यू से बनी हुई है? एडिपोज टिश्यू से बनी हुई है। ओके, एंड बोन मैरो, बोन मैरो में भी ये टिश्यू प्रेजेंट है। आगे जब हम बोन का करेंगे ना, उसमें भी बताऊंगी इसकी और डिटेल्स बोन मैरो के। अब आते हैं व्हाइट फाइब्रस टिश्यू पे। ये मॉडिफाइड एरियोलर टिश्यू ही है एक तरह का। इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स होती है और लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली पैक्ड बंडल ऑफ व्हाइट फाइबर। ये जो पिंक कलर में दिखा रखे हैं
ये कोलेजन फाइबर्स, व्हाइट फाइबर्स कोलेजन के बने होते हैं, इसलिए इनको हम कोलेजन फाइबर्स कहते हैं, और ये पैरेलल बंडल में अरेंज्ड हैं, थिक होते हैं और इनकी ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। अब इसमें जो सेल्स हैं, ये देखो, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स ऐसे रोज में अरेंज्ड हैं, सिंगल सिंगल रोज में। इन फाइब्रोब्लास्ट सेल्स से ही ये कोलेजन फाइबर्स बनते हैं। टेंडन्स एक तरह का व्हाइट फाइब्रस टिश्यू ही है, और टेंडन्स क्या होते हैं, ये देखो, ये जैसे ये पैरेलल टू वन अनदर है, और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स यहाँ पे सिंगल रोज में है। न्यूमरस व्हाइट फाइबर्स होते हैं जिनकी वजह से ये टेंडन्स टफ एंड इन इलास्टिक है, और ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू भी, देखो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड हैं यहाँ पर ये कोलेजन फाइबर्स, पैरेलली अरेंज्ड हैं, तो ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू भी है। और इनका फंक्शन क्या है, ये मसल्स को बोन्स के साथ ज्वाइन करते हैं, अटैच करते हैं, दे अटैच मसल्स टू बोन्स, और ये कॉर्डी टेंडिनी बनाते हैं। कॉर्डी टेंडिनी क्या होती है, जो हार्ट की स्ट्रक्चर आपने पढ़ी होगी, अट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में सेमी बीच में जो कस्पिड वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, उन कस्पिड वॉल्स को वेंट्रिकल की वॉल के साथ जो टिश्यू जोड़ता है वो है कॉर्डी टेंडिनी। और ये कॉर्डी टेंडिनी किस टिश्यू से बनी होती है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। ओके, अब येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, ये टिश्यू जो है ये भी मॉडिफाइड एरियोलर टिश्यू ही है। इसकी मैट्रिक्स क्लोजली पैक्ड होती है विद न्यूमरस येलो इलास्टिक फाइबर्स। इसमें इररेगुलरली अरेंज्ड होते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं, तो इसलिए ये डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। ये याद रखना है बेटा, नीट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखो डेंस इररेगुलर कौन सा है, लिगामेंट, और डेंस रेगुलर में क्या आएगा, टेंडन्स। इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, और इलास्टिक वर्ड आए तो इलास्टिन प्रोटीन से बने हैं, येलो फाइबर्स हैं, और अगर कोलेजन आए तो वो व्हाइट है और कोलेजन प्रोटीन से बने हैं। ये रिकवरी ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लंग्स में अगर थोड़ा बहुत डैमेज हो जाए तो उसकी रिकवरी में हेल्प करती है। फिर ये शीट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कहां पर, लिगामेंट्स में एंड वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में, लंग्स एंड ब्रोंकियोल्स में। फिर लिगामेंट का फंक्शन क्या है, ये एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ते हैं, ये एक बोन है ये दूसरी है, ये लिगामेंट जो है दे ज्वाइन वन बोन टू अनदर बोन। और ये देखो टेंडन्स दिखा रखे हैं यहाँ पे, ये मसल और ये बोन है, तो मसल्स को बोन के साथ अटैच कौन कर रहा है, टेंडन्स कर रहे हैं। अब रेटिकुलर टिश्यू, रेटिकुलर टिश्यू एक तरह का मॉडिफाइड ये भी एरियोलर टिश्यू है। तो बेसिकली अगर हम देखें कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की, मेन तो दो ही टाइप हैं, कौन कौन सी, एरियोलर एंड एडिपोज हैं। मैट्रिक्स इसकी फ्लूइड होती है और इसमें लार्ज नंबर ऑफ ये स्टीलेट सेल्स होती हैं, स्टार शेप सेल्स होती हैं। और रेटिकुलर का मतलब होता है कि देखो इनकी जो सेल्स की प्रोसेसेस हैं ये आपस में मिल गई और इन्होंने एक नेटवर्क बना लिया, ये रेटिकुलर सेल है, ये दूसरी रेटिकुलर सेल है, देखो ये न्यूक्लियस है सेल का, है ना, और इनकी जो ये प्रोसेसेस हैं ये आपस में ऐसे मिल गई जिसकी वजह से नेटवर्क बन गया, ये हो गया ना, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स इंटरकनेक्ट टू फॉर्म ए क्लोज नेटवर्क। और रेटिकुलर सेल्स सिक्रीट करती हैं रेटिकुलर फाइबर्स को जो बने हैं रेटिकुलिन प्रोटीन के। और ये टिश्यू कहाँ पाया जाता है, स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड्स, लीवर एंड बोन मैरो में। रेटिकुलर सेल्स का रोल क्या है, ये भी फेगोसाइट्स की तरह ही एक्ट करती हैं और हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम को इम्प्रूव करती हैं। तो आज इतना ही, इसमें अभी हमने सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू की एक ही टाइप की है, नेक्स्ट टाइम मैं नेक्स्ट टाइप का कनेक्टिव टिश्यू जो कि स्केलेटल टिश्यू है वो
नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।